श्रेय अश्कला रात देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। बाहर आते ही मजदूरों के चेहरे खिल उठे हैं, उनके घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। 17 दिन से ये मजदूर सुरंग के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, आखिरकार बीती शाम रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रही। सुरंग में फंसे झारखंड के मजदूर चमरा ओराव ने बाहर आने के बाद न्यूज एजेंसी को बताया कि इन 17 दिनों में उन्होंने फोन पर लूडो खेलकर समय बिताया, क्योंकि नेटवर्क नहीं होने के कारण हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। सुरंग में आने वाले पहाड़ी पानी से वो नहाया करते थे। शुरुआत में मुरमुरे आदि खाकर वो भूख मिटाते थे। सुरंग के अंदर काफी स्पेस था, शौच के लिए एक स्थान निर्धारित कर रखा था। और राव ने उस दिन की घटना को याद करते हुए कहा कि सब लोग 12 नवंबर की सुबह सुरंग के अंदर काम कर रहे थे, तभी जोरदार आवाज सुनी और एकाएक ढेर सारा मलबा गिर गया। मुझ जैसे कई मजदूर उसी में फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए। जब पता चला कि हम लंबे समय के लिए फंस गए हैं तो बेचैन हो उठे, लेकिन हमने उम्मीद नहीं खोई। भगवान, सरकार और बचाव कर्मियों का दिल से शुक्रिया है। रेस्क्यू टीम के लोक अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे थे और हमें भरोसा दिला रहे थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को फोन पर युवा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के सबा अहमद ने मजदूरों के बारे में जानकारी दी। सबा ने बताया कि हम लोग इतने दिनों तक सुरंग में फंसे रहे, लेकिन एक दिन भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमें कमजोरी हो रही है या कोई घबराहट हो रही है। सुरंग के अंदर 41 लोग थे और सब भाई की तरह रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। सबा अहमद ने कहा कि खाना खाता था तो हम लोग मिलजुल कर एक जगह बैठ के खाते थे। रात में खाना खाने के बाद सभी को बोलते थे कि चलो एक बार टहलते हैं। टनल का लेन 2.5 किलोमीटर का था, उसमें हम लोग टहलते थे। इसके बाद मॉर्निंग के समय हम सभी वॉक और योगा करते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश कुमार कहते हैं कि सुरंग के अंदर पहले कुछ दिन दिक्कत हुई, लेकिन जब सरकार और अधिकारियों ने हमसे संपर्क स्थापित कर लिया तो राहत महसूस हुई। पाइप के जरिए खाना पानी पहुंच रहा था, बाद में फोन से बात भी होने लगी थी। देशवासियों की दुआएं काम आ गई। अब चलिए इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने क्या कहा वो जान लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी महमूद अहमद ने कहा कि हमें भरोसा था कि हम कामयाब होंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में पता था, हम संयमित होकर आगे बढ़ रहे थे, समय लगेगा लेकिन ये निश्चित था कि हम मजदूरों को निकालने में सफल होंगे। वहीं NHIDCL के कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि जो मजदूर सुरंग में फंसे थे वो अगर टाइम पास के लिए क्रिकेट आदि खेल रहे थे तो उन्हें 15 दिन का राशन दिया गया था। उनको कहा गया था कि गाना वगैरह गाइए, उदास मत होइए, साथ ही गिरे हुए मलबे के पास न बैठने की हिदायत दी थी। सरिये वगैरह काट कर हटा दिए गए थे, किसी को कोई चोट नहीं आई, सब साकुशल बाहर आ गए। याद दिला दे, सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर को सुरंग धसने से मजदूर फंस गए थे। इन्हें सुरक्षित बाहर निकलने के लिए तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन बार बार ऑपरेशन में रुकावट हो रही थी। अमेरिका से आई ऑगर मशीन भी खराब हो गई थी। इसके बाद रैट माइनिंग से एक्सपर्ट लोगों की मदद ली गई थी। इन रैट माइनर्स ने 36 घंटों से भी कम समय में 12 मीटर तक खुदाई कर दी थी। इनकी मदद से ही मजदूरों तक पहुंचा जा सका और उनका रेस्क्यू किया जा सका। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से मजदूरों ने अपनी आप बीती बताई, कैसे उन्होंने अपना दिन 17 दिन तक कैसे काटा, कैसे उन्होंने लूडो खेला, क्रिकेट खेला, मॉर्निंग वॉक किया और अपना दिन उन्होंने एक एक दिन करके काटा और अब जाकर वो साकुशल बाहर आ गए हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कान है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।